family members. I am feeling very happy. As you all know that I am your English teacher, Kavita ma'am, and today I am going to teach you the chapter number 5, our work from EBS. ठीक है? आज मैं आपको chapter number 5 पढ़ाऊंगी, our work. So our work, our का मतलब होता है हमारा, और work का मतलब होता है कार्य या कर्म, यानी जो हम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसे नाम दिया गया है our work, हमारा कार्य. तो first of all I want to introduce the chapter. इससे पहले मैं आपको चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में है क्या. तो वर्क इज वर्शिप, सबसे मेन पॉइंट है वर्क इज वर्शिप. कर्म ही पूजा है, वर्शिप का मतलब पूजा है. तो कर्म ही पूजा है. हैव यू हर्ड ऑफ दिस सेइंग? आपने ऐसा कहते हुए सुना है? सुना होगा आपने अपने एल्डर से, अपने पेरेंट्स से, कि जब आप काम नहीं करते हो तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा वर्क करो, क्योंकि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा. जब आप कार्य करोगे तभी आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे. अब मान लीजिए जैसे आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या आप अच्छे गुड मार्क्स पाएंगे? नहीं पाएंगे ना. तो इसका मतलब है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना भी एक वर्क है. वी शुड डू अवर वर्क सिंसियरली. सिंसियरली का मतलब होता है निष्ठा से, ईमानदारी से या लगन से. ठीक है? तो हमें अपना कार्य बहुत ही निष्ठा से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए और लगन से करना चाहिए. अब ये नहीं है कि आप कोई कार्य कर रहे हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने देखा पेरेंट्स है तो उनके सामने पढ़ रहा हूँ, जैसे ही आपके पेरेंट्स गए आप लोग बुक क्लोज कर देते हो, तो ये गलत चीज है. हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही लगन से करना चाहिए. एंड वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड. और हमें हमेशा कठिन प्रयास करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, ताकि हमारा कार्य अच्छे से अच्छा हो सके. आप बताइए आप लोग कि हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल वर्क. तो पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू अर्न मनी. लोग क्या करते हैं कि पैसा कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं. कोई ऐसा वर्क करता नहीं होगा. किसके लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं. तो दे नीड मनी टू मेक अ लिविंग, क्योंकि उन्हें अपने जीविका चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है. तो द वर्क वी डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? ऑक्यूपेशन. फर्स्ट पॉइंट आपका है ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय. क्या होता है? व्यवसाय, यानी जो आप कार्य कर रहे हैं. तो द वर्क, ऐसा कार्य, वी डू, जो हम करते हैं, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशन कहलाता है. जिससे हमें पैसा मिलता हो वही ऑक्यूपेशन कहलाता है. ठीक है? व्हेन अ पर्सन बिकम्स स्किल्ड इन व्हाट ही और सी डज विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ही और सी इज देन कॉल्ड अ प्रोफेशनल. देखिए, जब कोई व्यक्ति काम करते करते अपने कार्य में इतना निपुण हो जाता है, इतना कुशल हो जाता है, उसको इतना अनुभव हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? प्रोफेशनल बन जाता है. क्या बन जाता है? प्रोफेशनल. जैसे नॉर्मली आप देखते होंगे कि जैसे कोई दर्जी ले लीजिए, टेलर अपने घर पे, जैसे नॉर्मल लेडीज कपड़े अपने घर में सिलती है, तो वो एक वर्क करती है. लेकिन जब वो कपड़ा सिलते सिलते उसमें ट्रेन हो जाती है, बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाती है, बहुत उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो एक शॉप खोल लेती है. और शॉप खोलने के बाद जब वो वर्क करती है पैसा कमाने के उद्देश्य से, पर्पज से, तो वही उनका प्रोफेशन बन जाता है. तब हम उनको टेलर कहने लगते हैं. क्या कहने लगते हैं? टेलर. इसी तरह इंजीनियर होता है, प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है. तो ये सारे क्या होते हैं? प्रोफेशन होते हैं, जिसमें हम धीरे धीरे काम को करते करते उसमें कुशलता माहिर कर लेते हैं, और कुशलता के साथ साथ बहुत सारे अनुभव भी आ जाते हैं हमको वो कार्य करने के. अब मान लीजिए एज ए टीचर प्रोफेशन ला लीजिए. टीचर क्या होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं. इसलिए क्योंकि वो जब वो पढ़ते हैं या अपना अध्ययन करते हैं, तो वो पढ़ाते पढ़ाते इतने स्किल हो जाते हैं पढ़ाने में या किसी भी टॉपिक में, और उनको बहुत ही अनुभव हो जाता है, तब वो प्रोफेशनल कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? प्रोफेशनल कहलाते हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मैनी पीपल हेल्प अस विद देयर सर्विसेज. देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सेवाओं से हमारी मदद करते हैं, यानी वर्क तो करते हैं, लेकिन उनके जो वर्क करने से हमें बहुत मदद मिलती है. तो लेट अस लर्न अबाउट इट. चलिए आज उनके बारे में सीखते हैं. सबसे पहला पॉइंट उठाएंगे डॉक्टर. क्या उठाएंगे? डॉक्टर पॉइंट उठाएंगे. डॉक्टर को हिंदी में बोलते हैं चिकित्सक. क्या बोलते हैं? चिकित्सक. अब यहाँ पे एक चिकित्सक की स्टोरी दी गई है, अतुल सेन. तो अतुल सेन अपने अपने बारे में क्या बताते हैं कि माई नेम इज अतुल सेन. मेरा नाम क्या है? मेरा नाम अतुल सेन है. आई एम अ डॉक्टर. मैं एक चिकित्सक हूँ. आई ट्रीट एंड क्योर सिक पीपल.
मैं सिक पीपल यानी बीमार लोगों का इलाज करता हूँ, ट्रीट करता हूँ उन्हें, ठीक है। आयुष मंत्री तो फर्स्ट हो गया आपका डॉक्टर, ये आपकी क्या करता है, सर्विस करता है, आपकी हेल्प करता है अपनी सुविधा के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा। इस ये पैसा कमाना है तो करता है, पैसा कमाने के लिए डॉक्टर काम करता है, लेकिन इसकी सेवा से हमें बहुत मदद भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका नर्स, पॉइंट क्या आपका नर्स, ये सब प्रोफेशन है। नर्स, नर्स को आप दाई भी बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन नॉर्मली हम इसे क्या बोलते हैं, नर्स ही बोलते हैं। तो माय नेम इज माया जैन, मेरा नाम माया जैन है, आई एम अ नर्स, मैं एक नर्स। अब नर्स की कार्य देख लीजिए, आई टेक केयर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की मैं देखभाल करती हूँ। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में नर्स क्या करती है, समय समय पर पेशेंट की बेड सीट चेंज करना, उनको दवाई प्रोवाइड करना, उनको इंजेक्शन लगाना, एंड हेल्प डॉक्टर इन ट्रीटिंग इल पीपल, और बीमार जो होते हैं उनका इलाज करने में डॉक्टर्स की हेल्प भी करती है। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू हेल्प पीपल, मैं हमेशा से ही लोगों की मदद करना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंजीनियर, इंजीनियर का मीन होता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में आप इसको कहेंगे अभियंता, क्या कहते हैं इसको, अभियंता, लेकिन हम लोग रेगुलर लैंग्वेज में इनको इंजीनियर भी बोलते हैं। तो एक इंजीनियर के आप दिया गया इंट्रोडक्शन की माय नेम इज अजय कुमार, मेरा नाम अजय कुमार है, आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन, कार से मैं क्या हूँ, एक इंजीनियर, आई हेल्प द गवर्नमेंट बिल्ड रोड बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, आई हेल्प द गवर्नमेंट, मैं सरकार की मदद करता हूँ, किस कार की मदद करता हूँ, बिल्ड रोड्स, सड़कें बनाने में, बिल्डिंग्स इमारतें बनाने में, एंड ब्रिजेस और पुल बनाने में। तो ये सारे कार्य कौन करता है, आपका इंजीनियर करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रॉकेट साइंटिस्ट, रॉकेट साइंटिस्ट, देखिए साइंटिस्ट बहुत होते हैं, वैज्ञानिक बहुत होते हैं, लेकिन जो रॉकेट से रिलेटेड स्पेस में काम करते हैं, जैसे रॉकेट लॉन्च करना, रॉकेट बनाना, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं रॉकेट वैज्ञानिक, क्या बोलते हैं, रॉकेट वैज्ञानिक या रॉकेट साइंटिस्ट, रॉकेट वैज्ञानिक या रॉकेट साइंटिस्ट, ठीक। तो माय नेम इज तासी वांगमो, मेरा नाम तासी वांगमो है, आई एम रॉकेट साइंटिस्ट, मैं रॉकेट वैज्ञानिक हूँ, आई हेल्प लॉन्च रॉकेट्स इनटू स्पेस, स्पेस का मीन होता है अंतरिक्ष, ठीक है, और लॉन्च का मतलब होता है प्रक्षेपित करना या भेजना रॉकेट्स को, तो मैं रॉकेट्स को स्पेस में या अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में मदद करता हूँ। आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ टचिंग द स्टार इन द स्काई एज अ चाइल्ड, देखिए उनका सपना था, उनका बचपन से सपना था, या बचपन से वो हमेशा सपना देखते थे कि वो तारों को छुएं, आकाश में जाकर तारों को छुएं, इसीलिए वो क्या बन गए, एक रॉकेट साइंटिस्ट बन गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर आप उठाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेलर, ये भी आपका एक प्रोफेशन है, टेलर, टेलर की हिंदी में होती है दर्जी, टेलर कुछ क्या होता है, दर्जी, दर्जी बोलते हैं इसको। तो आई एम डॉली सिंह, मेरा नाम डॉली सिंह है, आई एम टेलर, मैं एक दर्जी हूँ, आई सी एन स्टिजस क्लॉथ, और दर्जी का क्या काम होता है, कपड़ों को सिलना, क्या काम करता है, कपड़ों को काटता है और उनको सिलता है, जिससे हमारी हेल्प होती है। फिर नेक्स्ट आपका आता है फायर मैन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फायर मैन, फायर मैन क्या होता है, दमकल कर्मी, या आप इसको बोल सकते हैं आग बुझाने वाला कर्मचारी, फायर का मतलब होता है आग बुझाने वाला कर्मचारी या दमकल कर्मी। तो माय नेम इज रोहन दास, मेरा नाम रोहन दास है, आई एम ए फायरमैन, मैं आग बुझाने वाला कर्मचारी या दमकल कर्मी हूँ, आई पुट आउट फायर ब्रेक्स आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलने से, पुट आउट फायर, आग को बुझाता हूँ, यानी मैं आग बुझाना फैलने से बुझाता हूँ, एंड रेस्क्यू पीपल, और लोगों का बचाव करता हूँ, ट्रैप इन बिल्डिंग्स, जो इमारतों में फंसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी कभी बड़ी बिल्डिंग्स में फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो जो फायरमैन होते हैं वो क्या करते हैं कि उस बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को जो ट्रैप होते हैं उसमें उनको बचाते हैं और आग को फैलने से रोकते हैं। आई हैव बीन ट्रेन टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब होता है आपातकालीन स्थिति, आपने देखा होगा कभी कभी अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिससे हमें नुकसान हो सकता है, जैसे भूकंप अचानक से आ गया, आग कहीं लग गई, तो ये सारी आपकी इमरजेंसी सिचुएशन होती है। तो इन इमरजेंसी सिचुएशन को नियंत्रित करने में या उनको सुलझाने में इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है फायरमैन को, कि किस तरह ज्यादा आग लगने पर आप किस तरह लोगों को बचाएंगे, किस तरह उसको आप उस आग को बुझाने में मदद करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रोफेशन है आपका टीचर,
प्रोफेशन क्या है आपका? टीचर। टीचर का मतलब होता है अध्यापक, अध्यापक। तो माय नेम इज गीता अवस्थी, मेरा नाम गीता अवस्थी है, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापिका हूँ एट ब्लूबेल स्कूल, ब्लूबेल स्कूल में। आई टीच स्मॉल चिल्ड्रन लाइक यू, मैं आप ही के जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो टीचर में क्या होता है कि ये स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाती हैं, उनको एजुकेशन देती हैं और उनको एक बेटर लाइफ देती हैं, ताकि वो आगे चलकर अपनी जिंदगी में शिक्षित होकर अच्छी जॉब पा सके और अपना जीवन अच्छे से जी सके और एक वेल पर्सन बन सके। फिर नेक्स्ट है आपका मैसन। मैसन, मैसन का मतलब होता है मिस्त्री या राजमिस्त्री, आप बोल सकते हैं मिस्त्री, ठीक है। मैसन का मतलब होता है मिस्त्री। आपने देखा होगा कि आपके घर बनते हैं, लेकिन उनको घर बनाने में मदद कौन करता है? आपके मैसन और लेबर हेल्प करते हैं। तो माय नेम इज गगन नायक, मेरा नाम गगन नायक है, आई एम अ मैसन, मैं एक मिस्त्री हूँ। आई हेल्प ले ब्रिक्स एंड सीमेंट टू बिल्ड हाउस, टू बिल्ड हाउस यानी घर बनाने में आई हेल्प, मैं मदद करता हूँ ले ब्रिक्स एंड सीमेंट, सीमेंट और ईंटों को बिछा, यानी सीमेंट और ईंटों को बिछा कर मैं घर बनाने में मदद करता हूँ। तो ये आपके नेक्स्ट प्रोफेशन हो गए। एंड नेक्स्ट प्रोफेशन इज कारपेंटर, कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, क्या कहते हैं इसको कारपेंटर को? बढ़ई। माय नेम इज अचिंत कौर, मेरा नाम अचिंत कौर है, आई एम अ कारपेंटर, मैं बढ़ई हूँ। आई मेक फर्नीचर मेड ऑफ वुड, मैं लकड़ी के सामान बनाती हूँ। आई हैव बीन ट्रेन्ड टू कर्व एंड स्कल्प वुड, मुझे लकड़ियों को काटने में, उनको बनावट देने में, उनको रूप देने में ट्रेन किया गया है या प्रशिक्षित किया गया है। यानी जो कारपेंटर होते हैं ये लकड़ी के सामानों को बनाते हैं, लकड़ियों को उनको डिजाइन काट कर, उनको छील के, उनको फर्निशिंग करके आपके लिए फर्नीचर बनाते हैं, जैसे डोर्स है, टेबल्स हैं या चेयर है, सोफा है, आपके बेड है, ड्रेसिंग टेबल है। तो ये सारी चीज क्या बनाता है? कारपेंटर बनाता है। फिर नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रीशियन, यानी विद्युत सर्किट जिसे आप बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का मतलब विद्युत कर्म, यानी बिजली बनाने वाला। माय नेम इज त्रिलोक, मेरा नाम त्रिलोक है, आई एम इलेक्ट्रीशियन, मैं बिजली बनाने वाला हूँ। आई रिपेयर फॉल्टी वायर्स, प्लग्स एंड स्विच बोर्ड, मैं बेकार हुए वायर्स यानी तारों को, प्लग्स और स्विचेस बोर्ड को बनाता हूँ। या आपके इलेक्ट्रीशियन करते हैं, जैसे आपके घर के बोर्ड के स्विच खराब हो गए, या आपके फैन नहीं चल रहे हैं, या आपके तार कट गया, या कहीं तार से करंट आ रहा है, तो आप इसको बुलाते हैं, इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं हेल्प करने के लिए। तो ये आपके रिपेयर करने में हेल्प करता है। उसके बाद आपके कुछ और भी देखिए, आप उनकी सर्विस कैसे हेल्प करते हैं। द सर्विस ऑफ द अबव मेंशन्ड पीपल हेल्प अस इन डिफरेंट वेज, मैंने आपको जितने भी पीपल्स मेंशन किया, जितने भी प्रोफेशन मेंशन किए हैं, वो हमको कई प्रकार से हमारी मदद करते हैं। बट ये सर्विस ऑफ नॉट रिक्वायर्ड एवरीडे, लेकिन हमें रोज मतलब इनकी सर्विस की जरूरत नहीं होती भाई। ना तो आपको रोज कारपेंटर की आवश्यकता होती, ना आपको इलेक्ट्रीशियन की, ना डॉक्टर की। जब आप बीमार पड़ते तब आप डॉक्टर के जाते हो, जब आपको बिजली का काम होता तब आप इलेक्ट्रीशियन के जाते हो। तो ये सारे हमको रोज मतलब इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। देर आर सम पीपल हूज सर्विस वी मेक यूज ऑफ एन डेली बेसिस, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हमें रोज जरूरत पड़ती है, जिनके कार्य की हमें रोज जरूरत पड़ती है। अगर वो ना आए तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पे इफेक्ट पड़ता है। चलिए आइए उनके बारे में भी जानते हैं। तो फर्स्ट आपका हाउस हेल्पर, हाउस हेल्पर। हाउस हेल्पर का मतलब होता है घर के कामों में मदद करने वाला, ठीक, घर के कामों में मदद करने वाला। हाउस हेल्पर हेल्प अस टू कीप द हाउस क्लीन, एक हाउस हेल्पर जो होती है वो हमें घर को साफ करने में मदद करती है। ही और सी, अब देखिए वो तो या तो बॉयज में हो सकता है, जेंट्स भी। आपने देखा होगा किसी किसी घर में जो सर्वेंट होते हैं, हाउस हेल्पर होते हैं, वो कभी जेंट्स भी होते हैं और कभी लेडीज भी होती है। मेक कुक फूड, खाना बना सकते हैं, एंड आल्सो वॉश क्लॉथ फॉर अस, और हमारे लिए कपड़े भी धो सकते हैं। तो ये एज सर्वेंट होगा, सर्वेंट करते हैं। और एक दिन भी अगर आपका सर्वेंट नहीं आता या हाउस हेल्पर नहीं आता है, तो आपके घर के सारे काम क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। तो ये डेली यूज वाले सर्विस देने वाले व्यक्ति हैं। फिर नेक्स्ट आपका न्यूज पेपर डिलीवर, यानी न्यूज पेपर देने वाला, न्यूज पेपर डिलीवर बॉय। न्यूज पेपर का शुद्ध मीन होता है समाचार, ठीक है। तो न्यूज पेपर डिलीवर बॉय, न्यूज पेपर देने वाला। तो ही डिलीवर्स न्यूज पेपर एट अवर डोर स्टेप एवरी मॉर्निंग, इसका काम क्या होता है? क्या होता है कि रोज सुबह हमारे घर के दरवाजों पर न्यूज पेपर
देकर करना। अगर आप घर पे नहीं होते तो वो बाहर कहीं भी रख के चला जाता है, लेकिन इसको रेगुलर यूज होता है, ये आपका रोज आता है। अगर एक दिन भी न्यूज पेपर ना आए तो आप परेशान हो जाते हो, किसी अदर पर्सन के यहाँ से न्यूज पेपर लेके पढ़ना पसंद करते हैं जिनको न्यूज पेपर पढ़ने का शौक होता है। तो ये क्या करता है कि रेगुलर आपके घर पे जाके दरवाजे दरवाजे जाकर न्यूज पेपर डिलीवर करता है या देता है। फिर नेक्स्ट है आपका मिल्कमैन, यानी दूध वाला। मिल्कमैन यानी दूध वाला जो आपको दूध देता है। मिल्कमैन का क्या करता है, मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क टू अवर हाउसेस एवरी मॉर्निंग। ये जो आपका मिल्कमैन होता है ये रोज सुबह आपके घर पर आकर दूध दे जाता है। एक भी दिन मिल्कमैन नहीं आता तो आपके यहाँ परेशानी हो जाती है। तो मिल्कमैन भी क्या होता है, आपका रेगुलर बेस पे काम करने वाला होता है, आपका डेली बेसिस पर्सन होता है जो आपको सर्विस देता है। फिर नेक्स्ट आपका गार्बेज कलेक्टर, यानी कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाला, जो सफाई करनी आपकी होती है, इसको आप सफाई करने भी बोल सकते हो, गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, ठीक है, और कलेक्टर का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला। तो ये इनको आप शुद्ध तरीके से, मतलब पूरे तरीके से बोल सकते हो सफाई करना। तो ये क्या करते हैं कि ही कलेक्ट्स गार्बेज एंड वेस्ट फ्रॉम अवर हाउस एवरी डे। ये हमारे घरों से रोजमर्रा के कूड़ा करकट होता है, घर से जो गंदगी निकलती है उसे इकट्ठा करते हैं। आप कह सकते हो कि घर पे देखते होंगे बाहर रोड पे कि रोज सुबह स्वीपर आते हैं, सफाई करने वाले झाड़ू लगाते हैं, जितना भी गार्बेज आपके घर के आस पास में पड़ा रहता है वो सब क्या करते हो, उठाकर वहां से ले जाते हो, किसी इंटीरियर जगह पे डाल देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रॉसर, यानी बनिया, जिसे आप क्या बोलते हैं, बनिया। देखिए ग्रॉसर को आप बनिया भी बोल सकते हो, पंसारी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। जिसको कुछ लोगों को बनिया नहीं पसंद आता है बट तो क्या बोलते हैं, पंसारी बोलते हैं, बनिया या पंसारी। तो ग्रॉसर इज समवन हू सेल्स राशन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक बनिया वह व्यक्ति होता है जो आपको राशन देता है, फ्रूट्स यानी फल बेचता है, और वेजिटेबल यानी सब्जियां भी बेचता है। तो वी बाय फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरीडे। और आपको पता है कि हमें रोज ही फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल की जरूरत होती है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल दोस पीपल हु मेक अवर लाइफ इजी एंड बेटर एवरीडे। इसलिए हमें इन सभी लोगों का जो हमारे रेगुलर बेस पे होते हैं, चाहे वो आपके हाउस हेल्पर हो, चाहे आपके मिलमैन हो, गार्बेज कलेक्टर हो, न्यूज पेपर डिलीवरी बॉय हो, इसके अलावा डॉक्टर हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, फायरमैन हो, इन सभी लोगों को हमें धन्यवाद देना चाहिए जो हमारी जिंदगी को आसान भी बनाते हैं और हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच टू लिसन मी एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, स्टे होम, बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Bye bye students.